वेलकम माय डियर चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग शीट ली है जिसको मैंने चारों साइड से बॉर्डर की हुई है। वैसे ही आपको एक प्लेन शीट लेके उसको चारों साइड से ब्लैक स्केच पेन से आपको बॉर्डर करनी है। यहाँ पे मैं आपको प्राइमरी कलर थ्योरी सिखाने वाली हूँ। देखिए ये शीट में मैंने कुछ लाइन्स हल्के हाथ से ड्रॉ करके ली है। आप इसके लिए स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। आपको भी ऐसे ही हल्के हाथ से लाइंस बनाने हैं। आपको भी ऐसे हल्के हाथ से प्राइमरी कलर्स ऐसे ऊपर हेडलाइन लिखनी है। देखो यहाँ पे मैंने प्राइमरी कलर्स की थ्योरी लिखी हुई है और प्राइमरी कलर कौन कौन से है ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर प्राइमरी कलर्स? आंसर, द कलर्स दैट आर यूज टू मेक सेकेंडरी कलर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स और बेसिक कलर्स। देयर आर थ्री बेसिक कलर्स, दे आर रेड, ब्लू, येल्लो। तो ये तीन प्राइमरी कलर्स है। देखो मैंने रेड के सामने, ब्लू के सामने और येल्लो के सामने एक हल्के हाथ से सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। वैसे आपको सर्कल ड्रॉ करना है या फिर आप किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करो या फिर कोई भी चीज़ ड्रॉ करो जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छे से आती हो। आपको इतना अच्छा बनाना नहीं आता सर्कल तो आप किसी भी ढक्कन का यूज करो या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनाने के लिए आप स्केल का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग स्केच पेन लिए हुए हैं जिससे हम ये पूरा दिखने वाले हैं। देखो ये मैंने पूरा अभी स्केच पेन से लिख लिया है और अभी यहाँ पे जो भी लाइन्स है पेंसिल की, हल्की हल्की लाइन्स है, वो हम इरेजर से इरेज कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, रेड को मैंने रेड स्केच पेन से लिखा है, ब्लू को मैंने ब्लू स्केच पेन से लिखा है और येल्लो को मैंने येल्लो स्केच पेन से लिखा है, क्योंकि ये सब प्राइमरी कलर्स है। ये ऐसा लिखने के बाद आपको या किसी को भी ये याद रहेगा कि ये तीनों क्या है, प्राइमरी कलर्स है। देखो मैंने हल्के हाथ से जो सर्कल्स लिए थे उसमें क्या किया है, कलर भर दिए है। जैसे रेड, ब्लू और येल्लो क्या है, प्राइमरी कलर्स है। वैसे ये पूरी हमारी क्या हो गई है, प्राइमरी कलर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है।